पिता ही परमम तपः पितृ प्रतिमः पुण्य प्रियंते पितृ देवता। आज दिन हमारे पितरों का दिन शुरू हो जाता है, तो 15 दिन बिना बुलाए हमारे यहाँ आ जाते हैं। हम जो कुछ घर में या तीर्थ में या कहीं जो कार्य करेंगे, हमारे पिता हमारी माता जो नहीं है उन्हें देखते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनके लिए आज हम जो भी काम करेंगे उन्हें वह प्राप्त होती है। उसी के साथ हमारे परिवार का कल्याण होता है और प्रयाग में जो लोग आते हैं इस काम के लिए उनका तो उसका अनंत अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। ये संगम पर आकर के जो स्नान करना भी क्या बहुत पुण्य, स्नान करके शरीर को पोषण नहीं चाहिए। जो लोग तत्परता नहीं जानते करने के लिए नहीं करते हैं तो नहा ले और अपने शरीर को न पोछे, जो सिर से गिरे हुए जल, कान से गिरे हुए जल, हाथ से गिरे हुए जल, ये जो जल है तुम्हारे देवता पितर मात पित और सभी लोग प्राप्त करते हैं, वो भी तर्पण का एक अंग है। इसलिए अगर हम नहाएं गंगा तो शरीर अपना न पोछे तो भी हमारे पिता प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं करने के लिए एक पैसे नहीं है वो गंगा में हाथ खड़ा हो जाए इसे करके, पिताजी हमारे पास कुछ भी नहीं आपको नहीं ऐसा कर दे तो उसका भी पिता तर्पण परिणाम पूरा हो जाता है और पिता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम द्वार कहा जाता है और कैसे इसको करा जाता है? घर में आप जब गया जाने के सोचते हैं तो घर में पिंडा करते हैं, नाना घर में अक्षत छोड़ते हैं, अक्षत छोड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं गांव की, घर में पिंडदान करने के बाद फिर इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज में आकर के यहाँ पिंडदान करते हैं, यहाँ पिंडा करने के बाद फिर काशी जाते हैं, काशी में एक प्रसाद मोचन नाम का तीर्थ है वहाँ पिंडा करते हैं, उसके पश्चात जब हम जब गया जाएंगे रास्ते पुलपुल नाम का तीर्थ है वहाँ पिंडा करेंगे, उसके पश्चात जब गया जाएंगे वहाँ पर कई जगह पिंडा करना होता है तो आदमी थक जाता है, तो आह्वान करके सबका एक एक पिंडा करके अपने काम को अंत में वहाँ पर अक्षयवट के पास अंतिम पिंडा अक्षयवट के पास होता है उसे करके वहाँ पर एक अपनी मनोचित वस्तु छोड़नी पड़ती है।